नमस्कार दोस्तों, ईशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जून महीने के दूसरे सप्ताह के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न कवर करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और भी नए वीडियो के लिए आप हमारे ईशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप सामान्य ज्ञान फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रोजाना करंट अफेयर्स, जीके नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। कौन से भारतीय खिलाड़ी 8 जून को ग्रैंड स्लैम जीतने वाला चौथा भारतीय बना? सही उत्तर रोहन बोपन्ना। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनकी कनाडा की जोड़ीदार ग्रेबेला डेब्रोस्की ने फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल फाइनल जीत लिया है। बोपन्ना का यह पहला ग्रैंड स्लैम है। बोपन्ना से पहले लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। भारतीय मूल की प्रीत कौर गिल किस देश में चुनाव जीतने वाली पहली सिख महिला सांसद बन गई है? सही उत्तर इंग्लैंड। ब्रिटेन के मध्यावधि चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। भारतीय मूल की प्रीत कौर गिल के साथ ही भारतीय मूल के तनमनजीत सिंह भी चुनाव जीत गए हैं। चुनाव जीतने वाले वे पहले पगड़ीधारी सिख हैं। शंघाई सहयोग संगठन SCO 2017 के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर कजाकिस्तान। SCO के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को अस्ताना पहुँचे। भारत और पाकिस्तान के नए सदस्य के रूप में आने के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इसके सदस्य हैं। 2001 में इस संगठन का गठन किया गया। भारत के शामिल होने के बाद में यह दुनिया की 40% आबादी और वैश्विक GDP में 20% का योगदान रखता है। ब्रिटेन के मध्यावधि चुनावों में किस पार्टी को बहुमत मिला है? सही उत्तर किसी को नहीं। हाल ही में ब्रिटेन में हुए मध्यावधि चुनाव के नतीजों में प्रधानमंत्री थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इससे ब्रेग्जिट वार्ता से पहले अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। कौन से देश 9 जनवरी 2017 को शंघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO के पूर्ण सदस्य बन गए? सही उत्तर भारत तथा पाकिस्तान। भारत तथा पाकिस्तान 9 जून 2017 को SCO के पूर्ण सदस्य बन गए हैं, जिसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व सदस्यता प्रदान करने की प्रशासनिक प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उल्लेखनीय है कि SCO का 17वां वार्षिक सम्मेलन 8-9 जून 2017 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुआ। साथ कार्यक्रम का शुभारंभ 10 जून को किसने किया है? सही उत्तर नीति आयोग। नीति आयोग ने 10 जून को सहकारी संघवाद की कार्यसूची पर अमल के लिए 7 यानी कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल अर्थात मानव पूंजी के स्थानांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प करना है। फ्रेंच ओपन 2017 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? सही उत्तर जेलेना ओस्तापेंको। लातविया की गैर वरीयता प्राप्त जेलेना ओस्तापेंको ने बड़ा उलटफेर करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त रोमानिया की सिमोना हालेप को हराकर फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय जेलेना का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसी के साथ फ्रेंच ओपन जीतने वाली वह सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। फ्रेंच ओपन 2017 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही उत्तर राफेल नडाल। क्ले कोर्ट के बादशाह माने जाने वाले स्पेन के राफेल नडाल ने 11 जून को स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका को हराकर फ्रेंच ओपन 2017 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। नडाल का यह 15वां ग्रैंड स्लैम और 10वां फ्रेंच ओपन खिताब है। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वालों की सूची में अब नडाल दूसरे स्थान पर पहुँच गए हैं। कौन हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS की पहली भारतीय महिला सदस्य के रूप में चुनी गई हैं? सही उत्तर नीरू चड्ढा। नीरू चड्ढा 14 जून 2017 को ITLOS का चुनाव जीती हैं। संयुक्त राष्ट्र की ITLOS इकाई समुद्र से जुड़े कानून पर फैसला करती है। फेमस एडवोकेट नीरू चड्ढा विदेश मंत्रालय की चीफ लीगल एडवाइज़र बनने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। 2017 का मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर डेविड ग्रॉसमैन। इजरायली लेखक डेविड ग्रॉसमैन को उनके उपन्यास ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार के लिए दिया गया है।
हेलमुट कोल का संबंध किस देश से है? सही उत्तर जर्मनी। पूर्व जर्मन चांसलर हेलमुट कोल का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। श्री कोल 20वीं सदी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जर्मन चांसलर थे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 में भारत कौन से स्थान पर है? सही उत्तर 60। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जारी की गई वर्ष 2017 की रैंकिंग में भारत ने सुधार किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पेरिस में बिजनेस स्कूल इंसेड द्वारा 10 साल पहले विकसित किया गया था। किस राज्य ने ऑनलाइन मवेशी बिक्री के लिए वेबसाइट शुरू की है? सही उत्तर तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने मवेशियों को ऑनलाइन बेच और खरीद की सेवा सुविधा के लिए पशु बाजार .telangana.gov.in नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है। किस राज्य में CRY की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाल मजदूर हैं? सही उत्तर उत्तर प्रदेश। CRY अर्थात चाइल्ड राइट एंड यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5-6 वर्ष की आयु वर्ग के 8 लाख से अधिक बच्चे बाल मजदूरी से जुड़े हैं। सर्वाधिक बाल मजदूर क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में हैं। PN भगवती का संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर न्याय। भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती का लंबी बीमारी के बाद नई दिल्ली में निधन हो गया। उन्हें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL यानी कि जनहित याचिका की अवधारणा को लागू करने के लिए देश में न्यायिक सक्रियता का अग्रणी माना जाता है। भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश PN भगवती जुलाई 1985 से दिसंबर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। ईशाला के सभी वीडियो के लिए आप ईशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी सामान्य ज्ञान फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके रोजाना करंट अफेयर्स, GK नोट्स, पुराने प्रश्न पत्र हल सहित पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।